सो गाइस सेंट्रल बैंक की ओर से बहुत ही अच्छा खासा अपडेट निकल के आया है। जैसा आप क्या स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैंने जो है अभी जो आधार विड्रॉ किया है और किस तरीके से आप आधार विड्रॉ कर पाएंगे, साथ में जो 2-3 महीने से जो प्रॉब्लम है कैसे आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से जो है आधार विड्रॉ करना है और क्या अपडेट निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक की ओर से, मैं इस वीडियो में सारा जानकारी आपको देने वाला। तो वीडियो को इन तक बने रहिए, साथ में चैनल से पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस के लिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि सेंट्रल बैंक की जो है 2-3 महीनों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एपीएस सर्विस का यूज नहीं कर पा रहे और साथ में जो है आधार विड्रॉ भी हम नहीं कर पा रहे। तो इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की ओर से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया जा चुका है कि आधार विड्रॉ जो है हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है या कुछ दिनों में चालू भी हो सकता है। तो एपीएस सर्विस से हम आधार विड्रॉ कर पा रहे थे लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो भी बंद हो गया। इसके बाद हम आधार पे से जो है पैसा को विड्रॉ करते थे और कुछ कमीशन मेरा कटता था। इसके अलावा अभी आप देखेंगे ना तो जितने भी जीरो बैलेंस के जो अकाउंट है उनमें अभी भी जो है यहाँ पे विड्रॉ हो पा रहा है। आधार विड्रॉ अगर आप करना चाहते हैं जीरो बैलेंस में तो इजी तरीके से वहां पे हो पाएगा, लेकिन जिन लोगों का जो सेविंग अकाउंट है इसके अलावा जीरो अकाउंट के अलावा जो अकाउंट है वो जो है यहाँ पे विड्रॉ आधार विड्रॉ नहीं कर पा रहे होंगे, एपीएस का सर्विस जो है यूज नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये काफी जो है बहुत ही बुरी अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने ट्विटर अकाउंट पे जो है सेंट्रल बैंक से बात किया है तो वहां पे इसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि आपका जो आधार विड्रॉ है वो नहीं होगा। उसने ये कहा है कि जो भी आपका अकाउंट है उसमें क्या होगा केवाईसी कराना होगा और केवाईसी कराने के जो बाद होगा ना आप फिर से आप आधार विड्रॉ करवा पाएंगे, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत इसने बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ये लग रहा है कि आधार विड्रॉ जो है पूर्ण रूप से जो सेंट्रल बैंक का बंद हो जाने वाला है, ठीक है, और बहुत जल्दी जो है बहुत सारे जो है वो भी इसमें अपडेट करेंगे। जैसे मानो कि पीएनबी का है, आप देखना कि कुछ दिनों बाद जो है पीएनबी भी ये जो है नियम जो है लागू करने वाले हैं, उनकी भी जो आधार पे एपीएस का सर्विस है वो भी जो अपना पूर्ण रूप से बंद करने वाला है। क्योंकि सेंट्रल बैंक ही नहीं बहुत सारे बैंक जो है इसमें अपडेट करने वाले हैं जिसमें एक का नाम है जो पीएनबी है। पीएनबी बैंक भी बहुत जल्दी ये अपडेट लाने वाली है जिससे है कि आधार विड्रॉ का जो सर्विस है पीएनबी बैंक में भी ये भी फीचर्स उसमें भी नहीं रहेगा और उसमें भी जो जीरो बैलेंस के अकाउंट होंगे सिर्फ उसी में आधार विड्रॉ हम कर पाएंगे। सो गाइस ये बहुत ही बुरी अपडेट है। आप देखिए तो आगे क्या क्या होता है, अभी तक किसी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन मुझे जो है 100% की यकीन हो चुकी है कि ये जो सर्विस है हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है। अब हम आधार विड्रॉ से किसी दुकान पे जाके जो है अपना आधार विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो गाइस इस वीडियो में जानकारी में आपको इतना ही देने वाला था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल से पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए।